चौंकिए मत, ये कोई अपराध ही नहीं बल्कि हमारे आपके जैसे नशा के शिकार व्यक्ति है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के कुछ खास खबरें। यह विजुअल तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के नशा मुक्ति केंद्र की है। आइए पूरी जानकारी यहां के बारे में आपको अवगत कराते हैं किस प्रकार से यहां पर नशा मुक्त कराया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु कुमार जी। सुधांशु कुमार। कहाँ घर हुआ? तरियानी। तरियानी शिवहर। किस लिए लाया गया था यहाँ पे? यहाँ पे सर नशा करते थे इसलिए। आपको पता है कि नशा हम करते थे क्या है ना? अब यहाँ आने के बाद में नशा करने को मौका मिल रहा है या कि नहीं? नहीं, यहाँ पे नशा करने का नहीं इच्छा करता। कितना महीना से है यहाँ पे? एक मात्र एक महीना हुआ है। अब नशा करने का इरादा होता है या नहीं? नहीं। अगर दे दिया जाए पीने के लिए दो चार पैक तो फिर नहीं, नहीं चलेगा? दवा पे ऐसे नशा को डिपेंड नहीं करता। अच्छा अच्छा, शादी हो गई है आपकी? शादी हो गई है। शादी हो गई है फिर भी शराब पी रहे थे? कभी कभी पी लेते थे इसलिए पापा। क्या लेते थे आप? शराब लेते थे, इंजेक्शन होता है पता नहीं? कभी कभी ड्रिंक लेते थे। ड्रिंक लेते थे आप? कभी कभी इंजेक्शन। इंजेक्शन भी लेते थे? और थोड़ा थोड़ा लेते थे थोड़ा थोड़ा लेते थे है ना। अच्छा, आप बताएं कि अब यहाँ पर आने के बाद में जो दवा चल रही है और उसके बाद में आपको इच्छा हो रहा है लेने का? नहीं, उसको बाद दवा की वजह से भूख लगता। भूख लगता है, भूख खाते है ना तो खाना पीना परफेक्ट मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए बेड वगैरह है, पंखा लगा हुआ है, क्या 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 सुविधाएँ हैं आपको? क्या सुविधाएं मिल रहा है यहाँ पे? सुबह 7 बजे चाय मिल जाते हैं और 11 बजे खाना। 7 बजे चाय मिल जाती है? वाओ, ये तो एकदम हॉस्टल के जैसे हो गया आपको। दो टाइम खाना, दो टाइम नाश्ता, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना? देख रेख जो करने वाले महिलाएं हैं यहाँ पे, स्टाफ हैं, सब पास में रहते हैं? बाहर निकलने का मूड होता फिर क्या करते हैं? निकलने नहीं देते हैं। कुछ दिक्कत हुआ तो एक आवाज़ दिए वहाँ पे आ गए। अच्छा अच्छा, अब जाने का इरादा करता है यहाँ से कि नहीं? नहीं, यहाँ से नहीं, कुछ घूमने का मन भी करता तो यहाँ पे तो बंद है तो नशा की वजह से। कैसा लग रहा है जब आप यहाँ पे बंद हो गए हैं तो आप कैसा लग रहा है? नशा करने का इच्छा नहीं। अच्छा अच्छा, मैडम जी क्या कुछ जानकारी देना चाह रही हैं? क्या ये कब आए थे यहाँ? ये आए थे आपको 16 तारीख को। 16 तारीख जी, रिसेंटली आए हुए थे। इतने भी हो सकते। इस अस्पताल का नाम क्या हुआ? इस अस्पताल का नाम नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र। किस प्रकार से इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ आपको पेशेंट को अच्छे ढंग से रखा जाता है, गांजा, भांग, स्मैक, अल्कोहल, वाइटनर, ये सभी का इलाज। कितने महीने के लिए यहाँ पर भर्ती कराना पड़ता है? 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का इलाज। गारंटी है कि ठीक हो जाता है? हाँ जी, गारंटी। क्या चार्ज वगैरह है क्या यहाँ का? चार्ज है यहाँ। क्या चार्ज लगता है? मंथली 12,000 चाहिए इसका चार्ज। 12,000 रुपये कितने महीने का? 1 मंथ। 1 महीने का 12,000 में खाना वगैरह सारा? जी, खाना, डॉक्टर, रूम रेंट भी अलग देना होता है कि उसी में? नहीं, रूम रेंट भी उसी में। दवा, मेडिसिन भी उसी में। अच्छा अच्छा, 12,000 रुपये में दवा भी है, रूम रेंट भी है, भोजन भी है जी, सारा है ना जी। सर आप यहाँ क्या करते हैं सर? आप पर्चे देंगे? मेरा सर राम कुमार हुआ। अच्छा, जो बिल्डिंग है उसका हम मालिक हैं। इस बिल्डिंग का मालिक आप हैं? चलिए, बड़ी खुशी हो रही है कि आपके बिल्डिंग में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है।